पहला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? ऑप्शन देख लीजिए, काशी में, पाटलिपुत्र में, उज्जैन में और सर्वनवेल गोला में। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिन सर्वनवेल गोला में गुजारे थे। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, गांधी जी का प्रसिद्ध दांडी मार्च निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है, स्वदेशी आंदोलन से, असहयोग आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से और खिलाफत आंदोलन से। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन से। दांडी मार्च का संबंध किससे है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? ऑप्शन देख लीजिए, मोहम्मद अली, एओ ह्यूम, व्योमेश चंद्र बनर्जी, सैयद मोहम्मद बहादुर। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी को चुना गया था। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, कबीर किस धार्मिक नेता के शिष्य थे? कबीर किस धार्मिक नेता के शिष्य थे? ऑप्शन है, शंकराचार्य, रामानुज, रामानंद और रामदास। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, कबीर रामानंद के शिष्य थे। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन था, बताइए? ऑप्शन है, बुक्का, कृष्णदेव राय, रामदेव राय और हरिहर। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा हरिहर था। कौन था? हरिहर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, सबसे पुरानी स्मृति कौन है? मनुस्मृति, नारद स्मृति और बृहस्पति स्मृति और यज्ञ वालक्य स्मृति। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, मनुस्मृति। सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? मनुस्मृति। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, कलहन द्वारा रजत रंगिनी भारत के किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है, राजस्थान, कश्मीर, पंजाब और बिहार। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, कहाँ से संबंधित है? कश्मीर से रिलेटेड है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, अजात शत्रु किस वंश का शासक था? ऑप्शन है, मौर्य, नंद, हर्यक और गुप्त। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, हर्यक वंश का। अजात शत्रु किस वंश का शासक था? हर्यक वंश का। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा से प्रभावित होने वाला पहला जनजातीय नेता कौन था? क्वेश्चन फिर से समझिए, महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा से प्रभावित होने वाला पहला जनजातीय नेता कौन था? जदोनांग, रानी गेडिनल्यू, अल्लूरी सीताराम राजू और ठक्कर बाप्पा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ठक्कर बाप्पा। कौन था? ठक्कर बाप्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है? वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी ने दी थी, या लाला लाजपत राय ने, पंडित नेहरू ने, बाल गंगाधर तिलक ने? कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन भारत किस वर्ष आया था? 1939, 1940, 1941 और 1942। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक किसने कहा था? फ्लोरेंस नाइटिंगल, गणेश शंकर विद्यार्थी, जेम्स लॉयड और लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, फ्लोरेंस नाइटिंगल। क्या हो जाएगा? फ्लोरेंस नाइटिंगल। अगला क्वेश्चन है, वह एकमात्र वायसराय कौन थे जिनकी हत्या भारत में हुई थी? ऑप्शन है, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड नॉर्थब्रुक, लॉर्ड एलनबरो और लॉर्ड मेयो। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, लॉर्ड मेयो एकमात्र वायसराय थे जिनकी हत्या भारत में हुई थी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, समाचार पत्र संवाद कौमुदी के संपादक कौन थे? ऑप्शन है, राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, रविन्द्रनाथ टैगोर और बालकृष्ण भट्ट।
ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, राजा राम मोहन राय समाचार पत्र संवाद कॉमेडी के संपादक थे। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ? ऑप्शन है तेलंगाना में, मालाबार में, मराठवाड़ में और विदर्भ में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, मालाबार में। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? मालाबार में। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए है? ऑप्शन है समानता का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार, जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार और धर्म की स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, अभिव्यक्ति का अधिकार केवल और केवल भारत के लोगों के लिए है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता से प्रकाशित उदंत मार्तंड अखबार का प्रकाशन किसने किया था? पंडित सुंदरलाल, पंडित जुगल किशोर, पंडित अमृतलाल और पंडित मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, पंडित जुगल किशोर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य को, चंद्रगुप्त द्वितीय को, अशोक महान को और समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट, ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? माधवराव सिंधिया ने, बाजीराव सिंधिया, महादजी सिंधिया और जीवाजी राव सिंधिया ने। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, महादजी सिंधिया ने। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है शैव, वैष्णव, अद्वैतवादी, अवधूत। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, क्या कहा जाता है? रामानुज के अनुयायियों को वैष्णव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था? अलवार संतों द्वारा, सूफी संतों द्वारा, सूरदास द्वारा और तुलसीदास द्वारा। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, अलवार संतों द्वारा। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ अलवार संतों द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? बिहार था या दक्षिण भारत था या गुजरात था या असम था? ऑप्शन नंबर ए राइट है, बिहार। अंग्रेजी शासनकाल में अफीम उत्पादन हेतु बिहार क्या था? फेमस था। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में किसके द्वारा आयोजित की गई थी? स्वराज पार्टी द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा, अनुशीलन समिति द्वारा, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन द्वारा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, किसके द्वारा? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमला का सन्यासी के नाम से कौन विख्यात है? ऑप्शन देख लीजिए, लॉर्ड रिपन, एओ ह्यूम, लॉर्ड वेवेल और जॉन स्ट्रेची। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, एओ ह्यूम को शिमला का सन्यासी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था किसका? ह्यूरोज का, गफ का, नील का, हैवलॉक का। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, किसका? ह्यूरोज का सामना करते हुए रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई थी। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? अबुल फजल, अबुल कादरी, कादी बदायूनी, अलबरूनी और दारा शिको। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, अलबरूनी। कौन था? अलबरूनी। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो का मंदिर संबंधित है बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से, हिंदू और जैन धर्म से? जैन धर्म से। बताइए। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, हिंदू धर्म और जैन धर्म दोनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण कौन सा है? वायु पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण और लास्ट में मत्स्य पुराण। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, मत्स्य पुराण। कौन सा हो जाएगा? मत्स्य पुराण। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व किस क्रांति का नारा है? अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, इंग्लैंड की क्रांति और रूस की क्रांति। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, फ्रांसीसी क्रांति का नारा है समानता, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व। अगला क्वेश्चन, औद्योगिक क्रांति का शुरुआत कहाँ से हुआ था? इंग्लैंड से, फ्रांस से, चीन से, अमेरिका से। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा,
इंग्लैंड से। औद्योगिक क्रांति का शुरुआत कहाँ से हुआ था? इंग्लैंड से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? आर सी मजुमदार, बी डी सावरकर, बिपिन चंद्र पॉल और सर जॉन लॉरेंस। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, बी डी सावरकर। किसने कहा था? बी डी सावरकर ने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अलबर्नी किसके साथ भारत आया था? मोहम्मद गजनवी के साथ, मोहम्मद गौरी के साथ, सिकंदर के साथ, मोहम्मद बिन कासिम के साथ। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, महमूद गजनबी के साथ। नेक्स्ट सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल ने किया? लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड कैनिन, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड हार्डिंग। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत किया था। किसके सहयोग से? राजाराम मोहन राय का बहुत बड़ा इसमें सहयोग था। नेक्स्ट अगला है कि मैं ही राज्य हूँ, मेरे शब्द ही कानून है, यह किसका कथन था? ऑप्शन देख लीजिए, मेटरनिक का, लुई चौदहमा, नेपोलियन और लुई सोलामा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, लुई चौदहमा का कहना था मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही क्या है? कानून है। अगला क्वेश्चन है, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल्ला को किस जेल में फांसी दी गई थी? गोरखपुर में, वाराणसी में, गोंडा में और फैजाबाद में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, गोरखपुर में। कहाँ पे? गोरखपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध किस मुगल शासक ने लगाया था? बाबर, अकबर, जहांगीर और औरंगजेब। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, जहांगीर द्वारा तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया गया था। जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है, औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, फ्रांसीसी क्रांति का अग्रदूत किसे माना जाता है? ऑप्शन देख लीजिए, रूसो को, नेपोलियन को, वोल्टेयर को और गारिबाल्डी को। किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, किसे? रूसो को। अगला क्वेश्चन है, अकबरनामा के लेखक कौन है? अकबर, अबुल फजल, गुलबदन बेगम या जहांगीर। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, अबुल फजल। नेक्स्ट राष्ट्रीय रक्षा अकादमी का आदर्श वाक्य क्या है? कंट्री बिफोर मी, नॉन स्टॉप सर्विस, सर्विस बिफोर सेल्फ, सर्विस फॉर नेशन। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, सर्विस बिफोर सेल्फ। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग 1 किसे जोड़ता है? दिल्ली टू कोलकाता, आगरा टू मुंबई, दिल्ली टू अमृतसर और कलकत्ता से पेशावर। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, दिल्ली से अमृतसर। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 दिल्ली से अमृतसर को जोड़ता है। नेक्स्ट मोहनजोदारो को निम्नलिखित में से किस एक नाम से भी जाना जाता है? माउंट ऑफ लिविंग, माउंट ऑफ स्केलेटन्स, माउंट ऑफ स्लिप्स, माउंट ऑफ डेड। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, माउंट ऑफ डेड के नाम से मोहनजोदारो को जाना जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, 5-8% एसिटिक एसिड को कहा जाता है? एथेनॉल, ग्लिसरॉल, एसिटिक एसिड, एस्टर और सिरका। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, क्या कहा जाता है? सिरका कहा जाता है। कटहल में मौनसल खाने योग्य भाग है? सहपत्र, सहपत्रक, सहपत्र परिदल पुंज और परिदल पुंज। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, सहपत्र और परिदल पुंज। अगला क्वेश्चन है, किस ताप पर एंजाइम अधिक सक्रिय होते हैं? 40 डिग्री, 30 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस और 62 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 40 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, मारिया मोंटेसरी का नाम किससे जुड़ा है? महिलाओं के अधिकार से, बाल शिक्षा से, क्रिश्चियन मिशन से और मिशन अस्पतालों से। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, बाल शिक्षा से। किससे है? बाल शिक्षा से। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखी? लेनिन ने, कार्ल मार्क्स ने, स्टालिन ने, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के राइटर थे कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट
दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण? निलंबन का, जेल का, झाग का, पायस का? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, पायस का। किसका है? पायस का। नेक्स्ट, नदी द्वारा वृद्धावस्था में किस महत्वपूर्ण स्थल कृति की रचना होती है? डेल्टा, जलप्रपात, छारंझील और जलोढ़ संगु? ऑप्शन नंबर ई राइट हो जाएगा, किसका निर्माण होता है? डेल्टा का निर्माण होता है। नेक्स्ट, आइसोहोल रेखाओं द्वारा क्या प्रदर्शित किया जाता है? समान वर्षा, समान धूप, समान तापमान और समान हिमपात? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, समान धूप। आइसोहोल रेखाओं द्वारा मैप पर समान धूप को प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट, गर्भ में पल रहे बच्चे को पोषण निम्न से किस माध्यम से प्राप्त होता है? प्लेसेंटा, मुख, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, किससे? प्लेसेंटा से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है? वर्तिकाग्र, वार्तिका, परागकोष और बाह्यदल? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, बाह्यदल। नेक्स्ट, विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? उत्तरी सागर, फंडी की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, फंडी की खाड़ी। कहाँ पे आता है? फंडी की खाड़ी। नेक्स्ट, राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए लंबित कर सकती है? 2 दिन, 14 दिन, 15 दिन, 30 दिन? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 14 दिन के लिए लंबित कर सकती है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकती। निम्नलिखित में से कौन सी एक यूएसए स्थानीय पवन है? फॉन, चिनुक, मिस्ट्रल और हार मैटन? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, चिनुक यूएसए का स्थानीय पवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह उपकरण जो विद्युत धाराएं उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्या कहलाता है? मोटर, जनित्र, अमीटर और गैल्वेनोमीटर? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, जनित्र। क्या कहा जाता है? जनित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है, त्रिपुरा, असम, मणिपुर, मिजोरम? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, कहाँ पे है? मिजोरम में है। कहाँ पर है? मिजोरम में। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? ऑप्शन देख लीजिए, दिल्ली, लाहौर, कराची, पटना? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, कहाँ पर हुआ था? कराची में हुआ था। कहाँ पर? कराची में। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, राज्य प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन है? ग्राम सेवक, ग्राम कचहरी, ग्राम पंचायत और पंचायत समिति? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ग्राम पंचायत। कौन सा? ग्राम पंचायत। चलिए, इस तरह से आज का क्लास यहीं पे समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।